हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सरपासर, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद आरपी पे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1.2 अपडेट के बाद बहुत सारे बंदों को लैग इशू आ रहा है, जिनके फ़ोन मिड रेंज नहीं भी है या फिर लो एंड डिवाइस नहीं भी है, मिड रेंज है या फिर हाई रेंज वालों को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इनकेस iOS वालों को भी ये जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, खास करके KR वर्जन में। सो मैं आपको इस वीडियो में इसकी सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। मैं आपको तकरीबन 5 से 6 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप लैग रिड्यूस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको किसी भी थर्ड पार्टी APK या फिर थर्ड पार्टी फाइल सजेस्ट नहीं करूँगा, चाहे वो GFX हो या जो कुछ भी हो। मैं आगे ये भी बात करूँगा कि GFX यूज़ करना क्या आपको बैन कर सकता है, नहीं कर सकता, या फिर और भी जो भी सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें हम इन डिटेल देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से आप लैग को रिड्यूस कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, उम्मीद है आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप पबजी के ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, रिडीम कोड वीपीएन ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दबा देना बेल आइकन को, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएंगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। सो गाइस, चलिए बिना समय गवाए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक सेकेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे चैनल पर चल रहे पबजी मोबाइल सीज़न 17 दो रॉयल पास का गिव वे। सो गाइज, हमारे 20K पे वो गिव वे होने वाला है और 19.8K हमारे हो चुके हैं। सो होपफुली आज शाम तक, आज रात तक या फिर कल दिन तक तो हमारे 20K हो जाने चाहिए। सो मैं कल शाम तक विनर अनाउंस कर दूंगा, फर्स्ट डे ही सीज़न 17 के। सो जो भी बंदे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ, इसका बहुत ही बेसिक सा रूल है, आप इधर देख सकते हो, मैं किसी भी दो बंदे को इधर रॉयल पास गिफ्ट करने वाला हूँ, जो भी पॉपुलैरिटी में फर्स्ट और सेकेंड पे रहेगा। लेकिन उसकी एक टर्म एंड कंडीशन है, वो मेरा फ्रेंड नहीं होना चाहिए और मेरे क्लैन में नहीं होना चाहिए। सो जो अभी फर्स्ट पे है वो आप देख सकते हो इधर, रेज भुप्सा, और जो सेकेंड पे है वो है विलेन। सो अभी ये दोनों बंदे फर्स्ट और सेकेंड पे चल रहे हैं, मेरे क्लैन के बंदे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो गाइज, चलो अभी चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। सो गाइज, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और सारे बहुत आपने अगर ये सर्च किया होगा तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल गए होंगे यूट्यूब पे, जो कुछ बंदे आपको बता रहे हैं कि आप GFX लगा लो, कुछ बंदे बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी ग्राफी, पोटैटो ग्राफी, और भी कई सारी ग्राफी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ये सारी चीज़ें यूज़लेस होने वाली है। और गाइज, अगर हम बात करें GFX की, सो बहुत सारे बंदों के मन में ऐसा रहता है कि कन्फ्यूज़न कि हमारा ID बैन होगा नहीं होगा। सो गाइज, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने ये वीडियो बनाया था किस तरीके से आप 10 ईयर बैन के लिए पबजी वालों को रिव्यू कर सकते हो कि वो आपको अनबैन कर दे। सो इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे ऑलमोस्ट 75K व्यूज़ हैं, और मैंने बंदों से पूछा भी था कि आपके किस किस कारणों से पबजी अकाउंट बैन की गई है। सो बहुत सारे उसमें आंसर थे, इशूज़ थे, बंदों ने अपना बताया था, काफ़ी सारे का हैक्स था, ESP था, और उसमें से एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि GFX भी एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे उन लोगों से मिला था। सो गाइज, जो भी बंदे ये बोलते हैं कि GFX से बैन नहीं होता, सो आप कह सकते हो कि मेरे पास मतलब एक प्रूफ है कि बंदों को GFX से बैन हुआ है। हाँ, ये सही है कि बहुत कम बंदों का बैन होता है, ज़्यादातर का बैन नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम 100% बंदों का बैन नहीं होता है। सो गाइज, ये सारी बातें थी, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ अपने वीडियो में, सिंपली से उन ट्रिक को ही फॉलो करो, क्योंकि विदाउट थर्ड पार्टी APK या फिर फाइल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप फाइल के साथ भी अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते हो पबजी मोबाइल के, सो वो भी फेयर यूजेज में नहीं आता है, और थर्ड पार्टी की तो बात ही हटा दो आप। सो गाइज, देख लो सबसे पहले आपको करना क्या है। सो गाइज, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आपको सेटिंग के अंदर भी मिल जाएगा, बहुत सारे डिवाइस में यहाँ से सपोर्ट नहीं करता, सो आप सेटिंग के अंदर भी चेक कर सकते हो ऐप मैनेजमेंट में जा करके, वैसे बहुत सारे डिवाइस में ऐसे भी सपोर्ट करता है। सो आप पबजी को लॉन्ग प्रेस करना, आपको इधर ऐप इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सो इधर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, सो आपको स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है, और इधर आपको सबसे पहले दिखेगा क्लियर डेटा। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। वो बटन दबाने से इससे आपकी सारी डेटा उड़ जाएंगी, इसलिए आपको वो नहीं करना, आपको सिंपली क्लियर कैचे कर देनी है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप
ये था जो हमारा। अब चलते अपने दूसरे स्टेप की तरफ। सो दूसरे स्टेप के लिए आपको जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना अपने अबाउट फ़ोन में। आप देख लेना, आप हो सकता है दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो सो आपका कुछ और होगा। सो इधर आपको क्या करना है, मैं रियलमी अभी यूज़ कर रहा हूँ। सो रियलमी वालों को, या फिर अगर आप जो भी अपना यूज़ कर रहे हो, अगर रेडमी यूज़ कर रहे हो, सो आपको उसके वर्ज़न पे, जो भी आपका MIUI वर्ज़न है, जो भी वर्ज़न है उस पे, या फिर आप सिंपली किंडल वर्ज़न पे भी जाके क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जो कर्नल वर्ज़न पे, और रियलमी वाले इधर बिल्ड नंबर पे आपको टोटल 7 बार जो क्लिक करना है। सो आपके इधर जो है आप देख सकते हो कि डेवलपर ऑप्शन आपका खुल जाएगा। सो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर। इधर हम सर्च कर लेते हैं, नहीं तो आपको ये एडिशनल सेटिंग्स में भी मिल जाएगा। सो डेवलपर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इधर आपको एक सेटिंग सर्च करना है, और इधर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर सर्च कर लेना है फोर्स 4xMSAA करके होगा। इधर आप देख सकते हो फोर्स 4xMSAA। सो आपको इसे इनेबल कर देना है। और दूसरा चीज़ जो करना है आपको, वो आपको सर्च करना है एक, आपको गेम ड्राइवर नाम का इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो हम जल्दी से उसे भी सर्च कर लेते हैं। इधर आप देख सकते हो गेम ड्राइवर प्रेफरेंस करके कुछ ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपका इधर पबजी मोबाइल जो है आपको देख लेना है। सो ये रहा हमारा पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल को आपको क्या करना है, गेम ड्राइवर पे सेट कर देना है। ये था हमारा दूसरा स्टेप। सो गाइस, जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है, उसमें आपको सिंपली इधर आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड पे आपको जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया होगा, रिसोर्स पैक वगैरह, सो जो आपको यूज़ में नहीं हो, सिंपली से आपको इधर गेम में एक फीचर मिल जाता है डिलीट करने का। सो जो भी मैप वगैरह आप डिलीट करना चाहो, इधर से डिलीट कर सकते हो। आप अगर इरेंगल खेलते हो, और गाइस अगर आपके, मैं रिकमेंड करूँ, अगर आपके लो एंड डिवाइस हैं, सिर्फ अगर आप इरेंगल खेलते हो ज़्यादातर, सो बाकी ऐप्स फिर फालतू में आपको लैग कर सकते हैं, इसलिए आप उन सारी चीज़ों को डिलीट कर देना है। और जो भी इधर से आप रिसोर्सेज भी, मैप्स भी, सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो, सो आप उन्हें डिलीट कर देना। इससे भी आपकी गेम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगी, और आपका गेम स्मूथ चलेगा। सो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ हमारा इधर जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ग्राफिक्स पे, और ग्राफिक्स पे आपका जो फ़ोन सपोर्ट करता है स्मूथ पर में, अगर आपका अल्ट्रा अगर सपोर्ट करता है और फिर आपका लैग दे रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कम हाई या फिर मीडियम पे करके चेक कर सकते हो। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो फिर आप स्मूथ मीडियम भी चेक कर सकते हो। और गाइस, जो फिफ्थ टिप है, जो सबसे मतलब मेन टिप है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ कि KR वर्जन में आपको बैन देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है पबजी मोबाइल बैन होने के बाद। और बात करें अगर पबजी मोबाइल में अगर आपको बैन देखने को मिल रहा है, सो गाइज आपको पता ही होगा, अगर कोई भी APK अपडेट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ लैग, कुछ ना कुछ बग्स जो है उधर आपको रह जाती है, सो ग्लिचेस वगैरह। सो उसको धीरे धीरे फिर जो भी कंपनी का वो रहता है वो उसे फिक्स करते हैं। सो पबजी मोबाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। क्या होता है, जब भी हमारा कुछ अपडेट आता है तो उसके साथ आपको नई ग्लिचेज, नए बग्स देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे फिक्स किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 MB 2 MB 5 MB के अपडेट्स आते रहते हैं, जो कि अपडेट होने के बाद आप अगर कभी गेम ओपन होगे तो आपको दिखा भी होगा 5 MB या फिर 2 MB के अपडेट्स, कभी कभी तो पता भी नहीं चलते, आप गेम ओपन करते हो और वो 1-2 MB का छोटा सा अपडेट रहता है, वो हो जाता है। सो आपको वेट करना है 1 से 2 हफ्ते तक, और आपकी जो प्रॉब्लम अगर ग्लोबल वर्जन में भी आ रही है, सो ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, वो गेम की प्रॉब्लम, वो आपके डिवाइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वो गेम वाले ही सॉल्व करेंगे। बाकी KR वर्जन पे ये जो आ रहा है, सो गाइज KR वर्जन पे अभी सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा है, उस कारण से KR वर्जन पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो KR वर्जन के अपडेट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पबजी मोबाइल पे जो है वहाँ का आपको जो भी लैग है वो आपको ज़रूर फिक्स कर दिया जाएगा। सो गाइज, मैंने टोटल आपको 5 टिप्स बता दी इधर से। सो आप इन 5 टिप्स को अप्लाई करो, और अगर इन 5 टिप्स को करने के बाद आपके क्या रिव्यूज़ हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इन फ्यूचर फिर देखूँ आगे क्या करना है। सो गाइज, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करना ना भूले। और गाइज हाँ, गिव वे हम कल अनाउंस कर सकते, कल शाम तक होपफुली। सो आज के आज आप लोग 20K करवा दो, या फिर कल दिन तक भी करवा दोगे तो कल हम फर्स्ट डे ही गिव वे विनर अनाउंस कर देंगे। सो गाइज, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना गाइज, और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।